प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे एंटी भूमाफिया अभियान के चलते एक बुरी खबर आ गई। इस अभियान के तहत जिस कॉलोनाइजर सुरेश यादव को एसटीएफ ने पकड़कर जेल भिजवाया था, उसकी जेल में ही मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने कार्रवाई पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। इंदौर के एक 73 वर्षीय कॉलोनाइजर सुरेश यादव की जेल में यकायक मौत हो गई। यादव की मौत की खबर के बाद परिजन दुखी हैं और अभियान पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एसटीएफ विभाग ने सुरेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। भैया क्या नाम था मृतक का? सुरेश यादव जी। क्या हो गया था? आपको इनको एसटीएफ वालों ने जबरदस्ती उठाया कि हम इनके पास से कागज जब्त हुए, चेक जब्त हुए हैं और तहसील इनका मोबाइल जब्त हुआ है, जिसमें तहसीलदार से मिली भगत है, कागजों की बहुत सारी हेरा फेरी है क्या, पर उनके पास जब्ती में कुछ भी नहीं है, एक पिन भी नहीं है उनके पास में। ना तो किस मामले में उठाया था इसके? जमीन के मामले में कि क्या कहते हैं, इन्होंने गड़बड़ करी जमीन के और उसके पेटे 76 लाख रुपये भी लिए इन्होंने और 3 करोड़ के चेक लिए। हरसोला की जो जमीन थी उसके संबंध में गड़बड़ी। आपको जो परिवार जब है ना, परिवार के पास ये लोग एसटीएफ वाले आते थे तो किस प्रकार से डिमांड करते थे, क्या करते थे? 20 लाख रुपए मांगते थे कि 20 लाख रुपए दो आप तो हम आपके ऊपर केस नहीं बनाएंगे। उसके बाद में हमने जब जिनाइन मांगी नहीं थी उनकी, तो हम पैसे क्यों देते उनको? उसके बावजूद इन्होंने उनको उठाया, केस बनाया। इनका पाँव में भी लगी हुई थी, हार्ट की भी प्रॉब्लम थी इनको, डिस्क की भी प्रॉब्लम थी, क्या पेपर वगैरह भी मांगे तो होंगे, पेपर तो देंगे, पेपर थे ही नहीं, कहाँ से देते। तो शुगर भी बड़ी हुई थी इनकी। इनको जब एमवाई लेकर आए कि आप जांच के लिए जब ले जाते हैं एमवाई में लेकर आए, जब इनको वहाँ पे डॉक्टर ने एडमिशन का लिख दिया कि आप इनको एडमिट करो, इनकी शुगर भी बड़ी, 320 शुगर थी इनकी, हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, इनको बोला कि आप इनको एडमिट करो, लेकिन इन लोग ने एडमिट नहीं करा और कागज भी नहीं लिया एमवाई से इन्होंने, और ऐसे कैसे ये लोग खींच के उनको लेके चले गए। फिर उसके बाद ये लोग रात को इनको घुमाते रहे, जेल नहीं छोड़ा। फिर दूसरे दिन ये लोग इनको जेल छोड़ के आए। तो जेल में मौत हो गई इनकी? हाँ जी हाँ। उसके बाद में फिर जेल से भी इनको वहाँ पे एमवाई लाएगा क्या दिखाने के लिए, तब भी उनका था जांच का, क्या जांच करवाई, इनको भर्ती करने के लिए भी बोला था लेकिन नहीं करा, नहीं करा इन लोग ने भर्ती। फिर लेकर चले गए, बोले जेल में इलाज करेंगे हम लोग, ऐसा करके जेल में लेके गए। और सुबह एसटीएफ के कौन अधिकारी थे जो इस तरह से? अमित दीक्षित और त्रिपाठी करके हैं। अच्छा, ये 20 लाख रुपए की डिमांड? हाँ, 20 लाख की डिमांड कर रहे थे ये कि 20 लाख रुपए चाहिए हमको। और कौन कौन इनके साथ में बंद था, कुछ जानकारी है आपको? और कौन कौन बनाए गए थे? निरंजन करके हैं, तो हमारे तो टच में नहीं है, वो फोटोकॉपी वाले हैं, उनको भी इन्होंने जबरदस्ती की, इन्होंने कागज पेपर के थ्रू पता चला कि कागज बनाए करके इन्होंने, तो उनको भी। इनकी सुबह मौत कितने बजे हुई आपको? कब आपको? तो 9 बजे फोन आया जेल पे से कि आपके पापा के साथ ऐसा ऐसा हो गया, फादर एक्सपायर हो गया आपके। आपके फादर कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या करते थे? बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष। नहीं, पूर्व ही नहीं है, अभी जिला अध्यक्ष ही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नितिन यादव। मौत का मामला आया सामने, क्या है पूरा मामला? जेल से आज एमवाई से सूचना प्राप्त हुई कि मतलब सेंट्रल जेल से अवस्था में सुरेश पिता चुटेला, उम्र 73 साल, निवासी सेंट्रल जेल का आया, जिस मार्ग कायम किया, मार्ग कायम करके मजिस्ट्रेट साहब जांच करेंगे इसके। सर कुछ कारण परिजनों का, कुछ परिजनों से कुछ बात हुई है इस पूरे मामले? ऐसी बात नहीं हुई है, अभी साहब आएंगे। किस मामले में बंद थे ये अंदर? कोई एसटीएफ ने गिरफ्तार करा था ऐसा कुछ? हाँ, ये 420 के अपराध में। परिजन बता रहे हैं कोई जमीन की हेरा फेरी? हाँ सर, ये माननीय न्याय मजिस्ट्रेट महोदय की धारा है 406, 420, 477, 467, 468, 471, 120 बी भादवी में मतलब ये बंद था दिनांक 8। कुछ आरोप भी लगा रहे हैं एसटीएफ के अधिकारियों पर कि 20 लाख रुपए की डिमांड करी थी, तो जांच में जो आएगा। ठीक है, आपका नाम बता दें। मेरा नाम एसएस मौर्य, थाना एमजे रोड, इंदौर। ठीक है। सुरेश यादव को जिस मामले में जेल भिजवाया गया था, वो मामला तेजपुर गड़बड़ी इलाके की 4 एकड़ शासकीय चरनोई की भूमि को लेकर था और उन पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को प्लॉट बेच दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबांड न्यूज, इंदौर।